डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले अपन देखेंगे लीनियर मैपिंग और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट ई एंड एफ बी टू लीनियर spaces over the same field K. T is a mapping from E into F is said to be linear mapping. Linear mapping if first T x plus y equal to T x plus T y वाली कंडीशन है। T इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो फॉर ऑल x एंड y आर एलिमेंट्स ऑफ E। सेकंड कि T अल्फा x इक्वल टू अल्फा T x फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ E एंड अल्फा इज एलिमेंट्स इस ऑफ एनी स्केलर, क्योंकि ओवर द फील्ड K पर है तो इस अल्फा इज एलिमेंट्स ऑफ K। इन बोथ कंडीशंस फर्स्ट एंड सेकंड है, इनको अपन एक साथ में अपन लिखें तो आ जाएगा टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ की एंड एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ वी। तो अपने देखा कि एक मैपिंग आपकी है टी जो लीनियर स्पेस ई से एफ के अंदर डिफाइन है। लीनियर स्पेस हो सकता है, नॉन लीनियर स्पेस में बात करें तो ये आपका नॉन लीनियर स्पेस हो जाएगा ई और एफ। और ये मैपिंग है वो यदि कंडीशंस को सेटिस्फाई करे फर्स्ट एंड सेकंड, या एक साथ में कहें कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हो फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा एलिमेंट्स ऑफ के एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ एफ, तो ये जो मैपिंग आपके पास है वो लीनियर मैपिंग कहलाती है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेम वैसे ही E और F टू नॉन लीनियर स्पेस, अब नॉन लीनियर स्पेस बात करें E और F टू नॉन लीनियर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड K। और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T E से F, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है E से F। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो है इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट ए एलिमेंट्स ऑफ ई इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट norm of T Tx minus Ta is less than epsilon whenever a for all norm of x minus a less than delta। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T नॉर्म लीनियर स्पेस E से F के अंदर, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है।
यदि फॉर गिवन एफ वन ग्रेटर देन जीरो के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आपके पास एग्जिस्ट हो कि नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ए लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन यू आर या फॉर ऑल नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स एक्स बराबर ए पर वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसी डेफिनेशन को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी ई से एफ के अंदर ये कंटिन्यूस है। तब यदि आपके पास ये सीक्वेंस एक्शन है, ये सीक्वेंस एक्शन है, ये सीक्वेंस एक्शन है एक्स को कन्वर्ट कर रही है किसके अंदर, ई के अंदर, ई में सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ट कर रही है और ये इम्प्लाइज करे कि टी एक्स एन टेंस टू टी एक्स एलिमेंट्स होगा एफ का, टी एक्स एलिमेंट्स एफ का। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यदि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपके पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ये पहले वाले तो पर्टिकुलर पॉइंट ए एलिमेंट्स ऑफ ई पर बात करी थी, जनरल अपन कहें कि एक्स ये कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मीन्स कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यदि एक सीक्वेंस एक्शन है जो कि एक्स को कन्वर्ट कर रही है और तो इम्प्लाइज टी एक्शन है वो टी एक्स को कन्वर्ट करे तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ई से एफ में वो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अब अपन एक थ्योरम करते हैं, अपन देखेंगे कि थ्योरम दे दें कि ई एंड एफ, लेट ई एंड एफ बी टू नॉन लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस एंड एफ बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई इंटू एफ, ई इंटू एफ देन टी इज कंटिन्यूअस, T is continuous if and only if. It is continuous, continuous at the origin, at the origin. कि E से F के अंदर, E और F आपका टू नॉन लीनियर स्पेस है, इस थ्योरम अपन देखेंगे कि ई और एफ जो टू नॉन लीनियर स्पेस हैं, टी आपका ई से एफ के अंदर, ई से एफ में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ई से एफ के अंदर, और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी ई से एफ के अंदर, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है अपन देखेंगे टी आपका है इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इफ एंड ऑनली इफ टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन, कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। एक पार्ट तो क्लियर है, टी आपका कंटिन्यूस है मीन्स एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस है मीन्स टी यदि आपके पास है कंटिन्यूस है तो मीन्स एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो ओरिजिन भी उसमें आ गया, ओरिजिन पर भी कंटिन्यूस है। तो एक पार्ट तो आपके पास है यदि पहला पार्ट कि अपन ले लें कि टी आपका कंटिन्यूस है तो मीन्स क्लियरली टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। सेकंड यदि अपन ले लें कि टी आपका कंटिन्यूस है, टी कंटिन्यूस है एट द ओरिजिन और अपन दिखाएंगे टी इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट और
तो इसके लिए अपन एक सीक्वेंस अपन लेके चलेंगे इसके अंदर एक्शन, और वो सीक्वेंस एक्शन एक्स को कन्वर्ट कर रही है और अपन दिखाएंगे क्योंकि टी आपका कंटिन्यूस है एट द ओरिजन। अभी जो डेफिनेशन बताई थी सीक्वेंस के हिसाब से कि यदि एक्शन सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है एक्शन, यदि एक्स को कन्वर्ट कर रहा है और इम्प्लाइज टी एक्शन है टेंस टू टी एक्स, तो टी आपका कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस मैपिंग होगी कहाँ पर, एट किसको कन्वर्ट करेगा एक्स को। यदि एक्शन सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ट कर रही है तो टी एक्शन सीक्वेंस है वो टी एक्स को कन्वर्ट करेगा, मीन्स टी आपका कंटिन्यूस होगा एट एक्स पर। तो मीन्स टी आपका कंटिन्यूस एट द ओरिजन, ये अपन लेके चले और आपको टी को कंटिन्यूस दिखाना है। तो टी को कंटिन्यूस दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्शन एक सीक्वेंस देंगे जो एक्शन एक्स को कन्वर्ट कर रही है और अपन दिखाएंगे टी एक्शन टेंस टू टी एक्स, टी एक्शन टेंस टू टी एक्स, तो अपन कहेंगे टी इज कंटिन्यूस। तो यहाँ देख से एक्शन एक्स को कन्वर्ट कर रहा है तो मीन्स एक्शन माइनस एक्स है वो किसको कन्वर्ट करेगा, जीरो को कन्वर्ट करेगा, और एक्शन माइनस एक्स जीरो को कन्वर्ट कर रहा है और अपन कह रहे हैं कि टी कंटिन्यूस है एट द ओरिजन, तो एक्शन माइनस एक्स है यदि जीरो को कन्वर्ट कर रहा है तो मीन्स टी एक्शन माइनस एक्स है वो किसको कन्वर्ट करेगा, टी जीरो को, टी जीरो को, और टी जीरो इक्वल टू जीरो होता है। तो मीन्स टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी एक्शन माइनस टी एक्स है वो टेंस टू जीरो आ जाएगा, और टी एक्स को दूसरे अपन उस पक्ष में लेके जाएं या देखें तो अपन देखेंगे टी एक्शन है वो टी एक्स को कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से अपन इस थ्योरम को अपन करेंगे। तो फर्स्ट अपन लेके चलेंगे कि टी आपका कंटिन्यूस है, फर्स्ट अपन लेके चलेंगे टी आपका कंटिन्यूस है ऑन ई। तो सपोज दैट टी इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो इम्प्लाइज टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन, एट द ओरिजन, एट द ओरिजन विथ टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन विथ टी जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये पार्ट आपके पास क्लियर है। कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट दैट टी इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन, वी शो दैट टी इज कंटिन्यूस is continuous. So let x is arbitrary element arbitrary point of E, and let there be a sequence xn in E such that limit n tends to infinite xn equal to x, अर्थात ये जो सीक्वेंस xn है वो x को कन्वर्ट कर रही है। अब क्योंकि अपने को t को कंटिन्यूस दिखाना है तो मीन्स अपन को दिखाना है टी एक्शन
equal to tx. We show that limit n tends to infinite txn equal to tx. ये अपन दिखाते हैं, अपन कहेंगे t आपका continuous है. Now limit n tends to infinite xn equal to x, which implies limit n tends to infinite xn minus x equal to 0. xn minus x equal to 0. तो means ये जो सीक्वेंस है तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ये लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट एक्स एन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो. मीन्स दैट ये सीक्वेंस एक्स एन माइनस एक्स है वो किसको कन्वर्ट कर रही है? एट द ओरिजन. तो सिंस टी इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजन देयरफॉर at the origin continuous है, तो means therefore limit n tends to infinite xn minus x equal to 0, ये implies करेगा limit n tends to infinite txn minus x equal to t0. Since t is linear transformation, so limit n tends to infinite txn minus tx equal to 0, since t is linear transformation. Or which implies limit n tends to infinite txn minus tx equal to 0 implies tx limit n tends to infinite txn equal to tx, which implies t is continuous at x elements of E. Since x is an arbitrary point, of E, therefore T is continuous. On E. इस तरह से अपन देखेंगे कि T यदि continuous है, if and only if T is continuous at the origin. Thanks, student.